हाँ जी बाबा धर्मराज को पायों का व्यक्तिगत हैं पाठ उनका मेरा भाई हाँ मगर भक्ति मार्ग में तो यमधर्मराज नरक का वास लिखा थे हैं नरक का नरकवासियों को जो पाप करते हैं उनको दंड देने के निमित्त है यमराज हाँ जो संयम से नहीं रहते हैं उनको दंड देता है और भयंकर मार काट मचेगी खून की नदियां बहेंगी भयंकरता ही नहीं हुई है और क्या देखना चाहते हैं भयंकरता जब अपने सर पर डंडा बजता है तभी भयंकरता मालूम पड़ती है और अर्जुन को उन्हें पत्नियां सामने आई तब देह से अंत क्या है कितनी पत्नियां उन्नीस अर्जुन बड़े से बड़ा महारथी था या नहीं था है? तो जो छोटे महारथी थे वो सब अर्जुन के अधीन हो गए कि नहीं हो गए है? तो अधीन होने वाली पत्नियां हो जाती बड़ा पुरुषार्थ करे तो बड़े बनेंगे छोटा पुरुषार्थ करेंगे तो छोटे बनेंगे बाबा तो कहते हैं तुम्हारे पतियों का पति आया हुआ है और बाबा जनरल चार्ट और याद की चार्ट में क्या फर्क है जनरल चार्ट जनरल चार्ट होता है तन का चार्ट तन की सेवा का चार्ट धन का चार्ट और मन का स्पेशल चार्ट होता है मन की बातें सबको थोड़े ही बताई जाती है वो स्पेशल चार्ट हो गया और तो मन का चार्ट में याद का चार्ट है मन का चार्ट में ही याद का चार्ट हाँ मन इधर उधर भटकता है तो याद थोड़ी ही हुई मन सिर्फ बाप में ही जाए विविचारी याद में न जाए और हैं फुल सरेंडर तन भी अर्पण मन के संकल्प भी अर्पण एक भी संकल्प बाप की सेवा के अलावा न चले बाप की याद के अलावा न चले तो मन से संकल्पों से अर्पण धन भी अर्पण तन भी अर्पण और मन भी अर्पण और जितना भी समय मिलता है वो सारा समय ईश्वरीय सेवा में अर्पण जिनके जिनके संपर्क में आते हैं वो संपर्क में जिनको जिनको लाया उनकी सारी शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाना जो भी संबंधी हैं तन के उन संबंधियों की शक्ति को भी ईश्वरीय सेवा में लगाना
तो तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंध से, हर प्रकार से ईश्वरीय सेवा में लगी रहना। दूसरी बात नहीं, उसे कहते हैं फुल सरेंडर। नहीं तो दिखावा करते हैं, कहते हैं हम फुल सरेंडर हैं, लेकिन वास्तव में दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, भगवान को भी चलाने की कोशिश करते हैं। और बाबा आदि में सिंध में नौला प्रजा ये तैयार कर रहे थे, तो अभी जो एडवांस की आत्माएं आई है तो वो कर्तव्य नहीं थे क्या आदि को? नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं। शिव बाबा ठीक है कलकत्ता में आया, इस तन को कलकत्ते से पकड़ा, लेकिन ये थोड़ा ही कहा इससे हैदराबाद से पकड़ा है। तो अभी जो आत्मा है तो कोई साथी नहीं रहेगा है? अभी जो ज्ञान में चलने वाला है, अभी जो ज्ञान में चलने वाले हैं है, कलकत्ता नहीं, वो कोई जरूरी नहीं। बीज तो थोड़ा होता है, ये बीज ढेर सारे होते हैं, हैं? थोड़ी आत्माएं होती है बीज रूप। हाँ, प्रजापिता बड़ा या प्रजापति बड़ा? प्रजापिता है आदि में और पति है अंत में, क्योंकि विश्वपति है। विश्वपिता आदि में और विश्वपति अंत में। और अंत का ही गायन है शास्त्रों में, इसलिए शास्त्रों में क्या नाम दिया है, है? प्रजापति नाम दिया है। और पूछा है भक्ति मार्ग में मकर संक्रांति मनाते हैं, इसका बेहद का अर्थ क्या है? मकर संक्रांति शिवरात्रि से पहले मनाते हैं या बाद में मनाते हैं? है, शिवरात्रि कितने दिन के बाद होती है? 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 एक महीने के बाद शिवरात्रि होती है। तो पहले संपूर्ण कौन बनता है? संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी, या कोई पहला एक संपूर्ण बने बगैर प्रत्यक्षता हो जाएगी? है, कोई संपूर्ण बनेगा तब प्रत्यक्षता होगी या पहले ही प्रत्यक्षता हो जाएगी? पहले कोई एक संपूर्ण बनता है तब आवाज फैलना शुरू होती है,
आवाज फैलती है तो कोई उसे रिसीव करते हैं, जो रिसीव करते हैं उनका संगठन तैयार होता है, तब शिवरात्रि होती है। इसलिए नाम दिया है मकर संक्रांति। बारह राशियों में एक राशि मकर राशि भी है। किसका चित्र दिया हुआ है? है जो मकर राशि में चित्र दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? माकड़े का चित्र दिया हुआ है, बहुत मक्कड़बाजी करता है। तो मक्कड़बाजी की यादगार है मकर संक्रांति। दुनिया का बड़े से बड़ा मक्कार कौन हुआ है? अरे मकर माने मक्कड़बाजी करने वाला, माकड़ा है। मकड़बाजी माने शैतानी। राम ही क्या बनता है? तो रावण शैतान का नाम है या किसी दूसरे का नाम है? हैं? हैं? बाप आते हैं तो मकड़बाजी छोड़नी पड़ती है कि रह जाती है? हैं? छोड़नी पड़ती है। तो मकर संक्रांति किसकी यादगार हुई? मकार शंकर के अंत की यादगार मकर संक्रांति। मकार शंकर अंति, मकार शंकर की अंति हो गई, बीज ही खत्म हो गया मकारी का, तो हो गई मकर संक्रांति। पहले सुधरेगा कौन? पहले बीज सुधरेगा कि जड़ सुधरेगी, कि पहले तना सुधरेगा, कि पहले टहनियां सुधरेंगी, कि पहले फल सुधरेंगे, कि फूल सुधरेंगे? पहले बीज सुधरेगा, उसका सुधार हो तो मक्कार दुनिया का अंत भी हो जाए। तो शिव बाबा किस में आते हैं? है? दुनिया के सबसे पतित से पतित तन में आते हैं। वो सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा। इसलिए बोला है एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं। और वो 76 में ही सुधर गया ना? है? 76 में ही सुधर गया ना? तो फिर आवाज फैल जानी चाहिए, जो देखे जो सुने बाप आ गया, तो ऐसा है आ गया है? तुमने तो सुन लिया, तुम देख लिया, तो तुमको अनिश्चय तो नहीं आता है? अरे बोलो ना, आता है कि नहीं है? छुप छुप के क्यों बोलते हो? हैं? बेइज्जती हो जाएगी सबके सामने। अरे अनिश्चय आता है कि नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, हैं? थोड़ा थोड़ा नहीं आता है, झूठ बोल रहे हैं। अगर भगवान मिल गया तो हम स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? कहाँ होने चाहिए?
तो अनुभव होता है हम स्वर्ग में बैठे हैं, होता है अनुभव। फिर बच्चा महाराजा के घर में जन्म ले और पैसे पैसे को दुखी हो जाए तो कहेगा कोई ये भगवान का, ये महाराजा का बच्चा है, है? फिर और जो हिंदू धर्म से, जो देवता धर्म से कन्वर्ट होके हिंदू बन गए, देवता थे, द्वापर शुरू हुआ और देवता नहीं रहे, आत्मिक स्थिति से नीचे गिर गए, देह अभिमानी बन गए, देह का सुख लेने लगे, श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म करना बंद हो गया, भ्रष्ट इंद्रियों के कर्मों का सुख लेने लगे, तो उनको क्या कहेंगे? देवता कहेंगे? देवता कैसे कहे, तो हिंदू हो गए। और ये आगे वालों ने को सुना ही नहीं, क्या बोला? माता जी बोल रहा है कभी कभी माता उनको यज्ञ में बाबा की तरफ कुछ सेवा नहीं रहता, कोई सेवा नहीं रहता। अरे माताओं की तो सेवा है, एक एक कन्या की देखभाल करते रहे, एक कन्या के ऊपर नजर रखे रहे, वही सेवा हो गई। माताओं की सबसे बड़ी सेवा है ढाल बनना, बाकी सारी सेवाएं तो नकन्याएं खुद ही कर लेंगी, ढाल बन करके कन्याओं की सुरक्षा करना, ये माताओं की कितनी बड़ी सेवा है। ये कैसे कह दिया कि माताओं की यज्ञ में कुछ सेवा ही नहीं होती? सेवा नहीं, सेवा है, वो एक बार सेवा नहीं करते हैं, ऐसे पापा के लिए सेवा रहते हैं फिर भी कभी कभी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब कर्मों का कूटना कौन करेगा? ये माता जी है तो यज्ञ में खाकर चले जाता है, यज्ञ में सिर्फ खाकर चले जाता है, क्या रह जाता है? वाह, जो घर, जो बाबा के घर में रहेगा तो कन्याओं की देखभाल नहीं करेगा, कर सकता है कि नहीं? या सोता रहे? अगर जानबूझ करके सोता रहे और दरवाजे पे कोई आया हुआ है भाई, उसको अटेंड न करे और कन्या को अटेंड करना पड़े तो कहेंगे कि मुफ्त का खाया। अगर अटेंड किया तो मुफ्त का खाया क्या? तो थोड़ी करेंगे। वो ब्रह्मा द्वारा स्थापना है स्वर्ग की, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना में दिखाया गया है। चार कुमारियां, चार कुमार, अष्टदेव, और वहां तीन कुमारियां और चार कुमार जो दिखाए गए हैं, नीचे क्या लिखा है सीढ़ी के चित्र में? कितना वर्ष का संगम युग?
40 वर्ष का संगम योग, वो कब पूरा हुआ? तो 76 की बात है। 76 में रुद्रमाला से चार कुमार पहले पहले निकलते हैं, वो चार कुमार दिखाए गए। और उनमें चौथा कुमार तो भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ता है कि बनाता है, क्या पाठ बजाता है? भगवान के बने बनाए घर को गिराता है। तो गृहिणी ग्रह मुच्यते, गृहिणी को ही घर कहा जाता है, तो उसकी गृहिणी बनेगी या बिगड़ेगी? बिगड़ेगी, वैश्या बन जाती है। गिरजाघर बनाए देता है, इसलिए तीन दिखाई गई है, चौथी नहीं दिखाई गई। और आज वो नया रंग रूट नहीं आया है? नहीं, कहां गया? दिखाई नहीं दे रहा है? अरे और भक्ति मार्ग में जो कहते हैं सोने के समय में उत्तर दिशा की तरफ करने की लगाना करते हैं, उत्तर की दिशा तरफ करते हैं। वैज्ञानिक तथ्य ये है कि दक्षिण में मैग्नेटिक पावर है, बहुत बड़ा पहाड़ है, वो हमारी ताकत को खींच लेता है। और मन की संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। पुरुषार्थ करेंगे तो मन को कंट्रोल करने का, मन अगर एकाग्र हो जाएगा तो एकाग्र हुए मन से जो भी संकल्प करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। और मन तिरकता रहे बीच बीच में तो संकल्प सिद्धि नहीं हो सकती। और इसलिए कहते हैं ब्रह्मा के संकल्पों से नई सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा जैसी तपस्या चाहिए प्रैक्टिकल जीवन में। उसका पार्ट कुछ नहीं है, वो उसका पार्ट शरीर को शरीर के द्वारा अपने पूर्व जन्म का ऐसा भोग भोगना है जिसके आधार पर वो शरीरधारी आत्मा परिपक्व बन सके, फाउंडेशन पक्का डाल सके ज्ञान में चलने के लिए। जो बेसिक नॉलेज में पूर्व के टाइम में जो पाप कर्म किया है और 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाया है उसका भोगना भोगनी चाहिए प्रजापिता को या नहीं है?
भोगना चाहिए। तो गरीब घर में पैदा होता है और अपनी भोगना पूरी करता है। तो मुगलों से माना उस समय शिव बाबा नहीं रहते हैं? मुगलों से भी रहते हैं ना? हाँ, इसलिए उस समय शिव बाबा नहीं रहते। मुकर्रर का मतलब है कि आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। तो मुकर्रर है और बाबा अभी कौन सा युग का शूटिंग चल रहा है? कौन सी युग का शूटिंग चल रहा है? अपनी अपनी अवस्था को देखो और बताओ कौन से युग की शूटिंग चल रही है। जो नए नए आते हैं उनके लिए सत्य की शूटिंग चल रही है, बाकी जो पुराने हैं वो अपनी अवस्था को झांकें और देखें कि सत्व प्रधान स्टेज है, सत्व सामान्य स्टेज है, रजो प्रधान स्टेज है या तमो प्रधान स्टेज है। जीवन में खुशी का अनुभव ज्यादा कर रहे हैं या दुखों का अनुभव ज्यादा कर रहे हैं? तो मध्य में है। और डॉक्टर कहानी में अविनाश होता है, सबका आवाज़ कितना होता है? 10 करोड़ तो बताइए। 10 करोड़ तो अंतिम समय में हो तो ये विनाश होने से पहले। हाँ, द्वापर के आदि में, द्वापर के आदि में जब विनाश हो जाता है उस समय आधी आबादी रह जाती है। इसलिए बोला आठ, आधी क्यों बोला है? 8 से 10 करोड़, पूरा 10 करोड़ नहीं बोला। हाँ, 8-10 करोड़ आबादी रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आबादी खत्म हो गई उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, क्योंकि अकाले मौत होती है। इसलिए बोला 8-10 करोड़ त्रेता के अंत में। तो त्रेता में और भी ज्यादा रहते हैं? त्रेता का अंत में और भी ज्यादा रहते हैं? और भी ज्यादा क्यों? और भी ज्यादा क्यों? 10 करोड़ बताया। हाँ, धरतीकंप कोई ज्यादा लंबे टाइम तक थोड़े ही होता है। जैसे आखिरी विनाश 5-7 रोज के लिए, 5-7 रोज के दरमियान नुधा हुआ है, वैसे ही अर्ध विनाश भी लंबे टाइम तक नहीं होता है। जिस टाइम पर अर्ध विनाश होता है, भूकंप होता है, उस टाइम पर 10 करोड़ आबादी होनी चाहिए दुनिया की। विनाश होने के तुरंत बाद अगर वो आबादी गिनी जाए तो 8 करोड़ ही रह जाएगी, 2 करोड़ सूक्ष्म शरीरधारी बन जाते हैं। और तो इसलिए ही द्वापर के शुरू से सूक्ष्म देवता पूजा करना शुरू होता है। है, भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है। हाँ, और अभी जो मंदिर है वहाँ तो पुजारी होते हैं, वो कब से शुरू होता? पूजा करना कब से शुरू होता है? राजा विक्रमादित्य ने पूजा करना शुरू किया। पूजारी लोग कब से शुरू होते हैं? पूजा करते हैं बाबा, जो वैदिक लोग माने पुजारियों के द्वारा। पहला पुजारी तो विक्रमादित्य ही हो गया। भक्त और भगवान के बीच में पुजारी जो होते हैं वही तो पुजारी हो गया। हैं? और डायरेक्ट पूजा करता है, लेकिन उसका कोई गुरु होता है सिखाने वाला कि नहीं? प्रजापिता हुआ वही मध्यस्थ हो गया। वहां से ही शुरू होता है। हाँ जी,
सब कुछ प्रजापिता शुरू करता है, पूजा करना शुरू करता है तो भी शुरू वो ही करता है, पूजा का अंत करता है पहले पहले तो भी वो ही करता है, भक्ति मार्ग का अंत करने वाला भी वो ही है, भक्ति मार्ग की शुरुआत करने वाला भी वो ही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, संगम युग में है, संगम युग में भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, 500 करोड़ संगम युग में आएंगे है? वही बात जो भाई बोला ना, हाँ वही बात है। और वर्ल्ड सेंसस के हिसाब से सबको नाम रखते हैं ना, उसमें राजा फर्स्ट नंबर में आया है मोहम्मद नाम, मोहम्मद सब सबसे राजा नाम है, सबको राजाओं का नाम है मोहम्मद, मोहम्मद नाम राजा रखे हैं दुनिया के हिसाब से, मोहम्मद मोहम्मद नाम राजा है, मोहम्मद राजा को कहते हैं। हाँ अभी अभी जो दुनिया में आधा आबादी है, हाँ उनमें नाम है, नाम मोहम्मद नाम राजा, रंगप्पा भाई क्या कह रहे हैं ये बाबा? अभी तो जो वर्ल्ड का सेंसस हो रहा होगा, वर्ल्ड का जो आबादी है, आबादी पॉपुलेशन जो उनका जो नाम है ना, लोगों का नाम उनमें मोहम्मद का जो नाम जो है ना वो ज्यादा है, राजा नाम रखा है मोहम्मद नाम, इससे क्या हुआ? उससे कुछ बेहद रहता है क्या? मुसलमान के सारे नामों में मोहम्मद नाम ज्यादा है, मुसलमान होते हैं तो मोहम्मद कह देते हैं, मोहम्मद की औलाद वो अपने बाप का नाम प्रजापिता कहते हैं, तो प्रजापिता उनका कौन हुआ? मोहम्मद, इसलिए मोहम्मद कहते हैं अपने, हम अपने नाम से पहले क्या लगाते हैं? पी लगाते हैं ना, प्रजापिता लगाते हैं ना, ऐसे ही मुसलमान अपने नाम से पहले मोहम्मद लगा देते हैं, माने मोहम्मद उनके धर्म का प्रजापिता है, वो पहला पहला है मुसलमान। जैसे हम कहते हैं कि सारी दुनिया में पहला पहला ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि हम सबके बीच में पहला पहला मुसलमान मोहम्मद है, हम उसकी संतान है, मोहम्मद नाम पहले लगा देते हैं। बाबा वीके में रहने वाले, अभी वीके में रहने वाले लोग अंत तक शिव बाबा को पहचान नहीं, सन्मुख पैठ सीखने वाले नहीं, तो वो लोग सतयुग त्रेता में आवेंगे क्या? नहीं अंत तक नहीं पहचानेंगे, वो सारी दुनिया अंत तक पहचानेगी, पहचानेगी नहीं तो परमधाम वापस कैसे जाएंगे? अपने गाइड को पीछा करेंगे या नहीं करेंगे? सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माओं की जो बारात होगी, उस बारात का गाइड कौन होगा? शिव बाबा होगा। झाड़ के चित्र में भी दिखाया है कि सब आत्माएं जा रही हैं परमधाम, गाइड कौन दिखाया है? शंकर को गाइड के रूप में दिखाया है, शंकर के द्वारा शिव बाबा गाइड बनता है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का। अरे वो ही तो कन्वर्ट हुए हैं पहले, जो पहले कन्वर्ट हुए हैं वो द्वापर युग से पहले कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे? और
महामारी महामारी चार बार होता है बाबा, एक बार, सेकंड बार, थर्ड बार, फोर्थ बार। महाभारी महाभारत युद्ध थर्ड वर्ल्ड वार है, फोर्थ वर्ल्ड वार एटमिक युद्ध है। एटमिक विश्व युद्ध होगा तो ये पृथ्वी जोर से डोल जाएगी, फिर कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय पानी पानी के, समंदर का जल ही जल दिखाई देगा चारों ओर, सब डूब मरेंगे। 36 में है फोर्थ वर्ल्ड वार। अभी तक 500 करोड़ आपका रह गए थे। अरे सूक्ष्म शरीरधारी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आत्माएं नहीं है वो? आत्माएं कभी खत्म हो जाती हैं क्या? आत्माएं तो होंगी, लेकिन कोई सूक्ष्म वतनवासी होंगी, कोई साकार वतनवासी होंगी, इकट्ठी जाएंगी फिर परम धाम। अभी सूक्ष्म वत में गए हम लोग भी है, सूक्ष्म वत में आए ना, अभी कोई कोई सूक्ष्म वत में आए, उन लोग को फिर क्या होगा? उनको क्या पूछना? क्या बोला उन लोगों को? क्या क्या होंगे उन लोग भी सूक्ष्म रूप में रहने वाले को? वो इंतजार कर रहे हैं हमारे आने का कि 500 करोड़ सब आ जाएं, अंत में प्रजापिता भी आ जाए तो उसके पीछे पीछे चले परम धाम, इंतजार कर रहे हैं वो। और बाबा अभी इतना बीमारी होता है, इतना तकलीफ होता है, और 36 तक रहेंगे तो और क्या क्या होएगा? घबराहट हो रही है क्या है? घबराहट होना माना ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा की औलाद, डर पैदा हो जाना। डर कुछ नहीं है। फिर क्यों घबरा रहे? पूछना क्यों? अरे जो होगा सो अच्छा होगा। और सबको बहुत तकलीफ होएंगे, सब लोग तकलीफ उठाएंगे। ओहो भगवान के बंदे कयामत के समय में मौजूद रहे, वो मौज में रहेंगे या दुखी रहेंगे? तो हम तो भगवान के बंदे हैं, और बाबा कहते हैं हेल्थ दुखा और हेल्थ दुखा, हेल्थ देने का तो दिखाई पड़ता है लेकिन हेल्थ कब देंगे? बोला नहीं, बाप तो हेल्थ और वेल्थ देंगे, अभी वेल्थ देता है वो मालूम पड़ता है, हेल्थ कभी देंगे? बाप तो हेल्थ और वेल्थ देते हैं, अभी जो हेल्थ तो नहीं दिखाई दे रहा। बाप हेल्थ देते हैं, हेल्थ और वेल्थ इसी जन्म में देते हैं कि अगले भविष्य जन्म में देंगे? अरे इसी जन्म में प्राप्ति कराने आए हैं या अगले जन्म के लिए प्राप्ति कराने आए हैं? हैं? भविष्य की जन्म के लिए बताया, ये शरीर तो इस जन्म का है, ये शरीर का सुख देने बाप नहीं आए हैं, ये शरीर तो माया का पैदा किया हुआ है, माया रावण ने पैदा किया हुआ है, इसके तो भोग भोगने पड़ेंगे 63 जन्मों की हिसाब किताब। कब तक? जब तक दो देवान में जिंदा रहेंगे, देवान छोड़ दो नया जन्म शुरू।
हाँ लंबा चौड़ा चक्कर है। अब पढ़ ही दो ना। पढ़ दो। अरे वो नहीं, तुम ही पढ़ दो, वो डरते हैं, तब तो दिया लिख के है। आजा भाई, माता लोग अपना में जगह में गीता पाठशाला सेंटर ओपन करने की बहुत इच्छा है, चलो टुमकुर के पास। हे माता लक्ष्मा माता घर में गौरमा सुनेगर माता गौरमा ऐसा वेलूर के पास जाना गजेंद्र भाई, इसका भी समय एक सेंटर खोलने का बहुत इच्छा है, मन में संकल्प का फायदा होगा। सेंटर माने मिनी मधुमा, मिनी मधुमा हाँ, अभी संकल्प करने का इच्छा है। हाँ तो अप्लाई एप्लीकेशन लिख के दे हेड ऑफिस में, एप्लीकेशन लिखें और अपना जो मकान देना चाहते हैं उस मकान का फोटोकॉपी भेजें। ऐसे के पास में उसका हाँ वो भी ऐसे ही करें, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हाँ जी, जिनका मकान है जो ऑफर करना चाहते हैं वो एप्लीकेशन लिख करके दें और साथ साथ अपने मकान की फोटोकॉपी भी भेजें, मैप है तो मैप भी भेज दे जो नक्शा पास कराया है, ठीक है। और बस ऐसा ही ये सेंटर भी 10-15 साल के पहले एक और सत्यनारायण भाई ना शरीर छोड़ दिया, ये भाई अमरनाथ भाई महीने एक संकल्प कर दिया एक संगठन, अभी थोड़ा हो गए मन में बहुत। हाँ जो इच्छा करे हो मनमाई, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाई, अच्छे संकल्प सब माया नहीं पूरी करेगी, अच्छे संकल्प बाबा पूरी करेंगे। संकल्पों से सृष्टि रची जाती है तो अच्छी बात है ना। ठीक है ठीक है बैठो। माता की पुष्टि है ब्रह्मा बाबा जनवरी 18 तक शरीर छोड़ दिया है, ब्रह्मा बाबा जनवरी 18 को 69 जनवरी 18 को शरीर छोड़ दिया है, 69 नवंबर में एक प्रजापिता ज्ञान में आया तभी तक शिव बाबा की जब तब तक शिव बाबा किधर था, अपने रथ को देख ढूंढ रहा था कहाँ है मेरा रथ। अरे ढूंढने में टाइम लगेगा कि नहीं, ढूंढने के लिए भी उसको एक शरीर चाहिए था बाबा, ढूंढने के लिए भी उसको शरीर चाहिए। हाँ शरीर मिल गया ना। हाँ 69 18 जनवरी से ढूंढते ढूंढते नवंबर 30 को मिल गया है, और बच्चों में प्रवेश कर रहा था। अरे और में देख रहा था ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये 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 है। और माता जी आगे आ जाइए ना, भक्ति मार्ग में शंकर जी को स्मशानवासी कहते हैं ना, इसका मतलब सब मर जाओ तो हम बढ़िया लगेगा, सब मर जाए तो मरघटा बन जाएगा ना, तो उनको मजा आएगा हमारा काम पूरा हो गया। शंकर जी को क्या अच्छा लगता है, दुनिया बसी रहे वो अच्छा या दुनिया शमशान घाट बन जाए वो अच्छा, जल्दी से शमशान घाट बन जाए तो मरो जल्दी से। माता जी का दूसरा क्वेश्चन है बाबा है, दूसरा क्वेश्चन है कोई बीमार पड़ा वो ज्ञानी तो अज्ञानी कोई भी हो
उसको ब्लड चाहिए तो ज्ञानी का ब्लड दे सकते थे, अज्ञानी का ब्लड ले सकते थे, दे सकते थे। सहज सहज मिले सो अच्छा, सहज मिले से दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। ज्ञान क्या कहता है? सहज सहज अगर कोई दे देता है तो अच्छा है। हाँ तो वो सहज मिल रहा है, और जो ज्ञानी है वो नौचल खोचल करके देता है या मांगने से देता है, तो कौन सा अच्छा है? हैं? लौकिक वाला ही अच्छा है। ज्ञानी लोग देखने को भी नहीं आते हैं। हाँ जी। और हॉस्पिटल में बीमारी आई, हॉस्पिटल में आई तब हॉस्पिटल में काढ़ा देता है, वो काढ़ा खा सकते हैं बीमारी को। उसमें भी सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खींच लिया सो खून बराबर। हाँ हाँ, उसको हॉस्पिटल का करना हो कैसा करेंगे? अच्छा, खींच खींच के ज्ञानियों से ले लोगे वो अच्छा है, तो फिर घर से कोई घर में लौकिक घर में उन लोग ज्ञान में नहीं, उन लोग नहीं कुछ कर सकते क्या? हाँ तो वही जो सहज मिल जाए वो ही अच्छा है, नहीं तो मांगने से मर जाओ, कोई आत्मा मरती है क्या? वियोगी याद, हाँ योगी याद तुम बच्चों की है जिनको साकार में मिल गया, वियोगी याद उन बच्चों की है जो साकार में शरीर ही छोड़ गया और 18 जनवरी को याद कर करके रोते हैं कि हाय हमें साकार में नहीं मिला, वो हो गई वियोगी याद। ओम शांति।